दोस्तों, आपका दोस्त प्रकाश चौहान फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस टाइम स्क्रीन पे जो आपका शो हो रहा है वो बिल ऑफ एंट्री शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिल ऑफ एंट्री लिखा हुआ है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो बिल ऑफ एंट्री की जो ट्रांजेक्शन होती है वो टैली ERP9 में किस तरीके से किया जाता है, ये प्रैक्टिकली आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बिल ऑफ एंट्री आपके सामने है। तो ऐसे कंपनी या ऐसे लोग जो इंपोर्ट करते हैं, अब आप सभी जानते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी भी लगता है, उसके ऊपर कुछ सेस भी लगते हैं, और जो उसके ऊपर IGST लगता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किस तरीके से उसको क्लेम किया जाता है, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमें टैली ERP9 में करना होता है। लेकिन इसकी एंट्री टैली ERP9 में किस तरीके से किया जाता है, इसकी नॉलेज अधिकतर अकाउंटेंट को नहीं होती है, जिस वजह से वो अपने आप को परफेक्ट अकाउंटेंट नहीं मानते। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल टिप्स पे बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ये सारे कैलकुलेशन आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ टैली में एंट्री करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो से बने रहिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपने स्किप कर दिया तो कुछ भी अगर छूटा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास जो कंसेप्ट पहुंचने वाला है वो अधूरा पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का, अब जैसे मान लीजिए मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, अब जिस कंपनी का ये है उस कंपनी ने इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिया है, कहाँ से लिया है, क्या उसका IGM नंबर है, ये सारी चीजें बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन होता है। तो जो उसका माल है बाय एयर आया है, और बाय एयर आया तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे वो उतरा होगा, तो वहां पे जो कस्टम ड्यूटी वाले हैं, जो होते हैं, जो इन सब चीजों को देखते हैं, जिनको ऑथराइज होता है, तो वो बिल ऑफ एंट्री एक पेश करते हैं जिसके ऊपर हर चीज आइटम मेंशन होता है, कस्टम ड्यूटी किस रेट से लगना है वो मेंशन होता है, एडजस्टन कोड मेंशन होता है, IGST कितना लग रहा है, कितना फैट लग रहा है, कितना इंश्योरेंस करा गया है उसका, जो इनवॉइस पे वैल्यू दी गई है वो क्या दी हुई है। दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो दूसरे कंट्री से ही करते हैं, तो करेंसी को भी मेंटेन करना जरूरी होता है। करेंसी को टैली ERP9 में किस तरीके से मेंटेन करेंगे वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री है जिसमें कस्टम स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये कंपनी है जिस कंपनी से जो कंपनी ये इंपोर्ट कर रही है, हाइड कर दिया गया है पॉलिसी की वजह से, ताकि शेयर ना कर सके कि उनका GST नंबर क्या है या कंपनी का नाम वगैरह क्या है। तो मैं इसके लिए आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं ये सारी चीजें आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो चीजें होती है प्रैक्टिकली वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बस कंपनी के कुछ डिटेल होंगी वो शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए 6 पैकेट मंगाया गया है, रोल में मेंशन कर दिया गया होगा इसको, KG में भी मेंशन किया जा सकता है इसको। तो देखेंगे धीरे धीरे क्या और क्या नहीं है, उसके बाद हम एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पैकेज कितना लिखा हुआ है, 6 पैकेज, जो ग्रॉस वेट है वो कितना है 3340 किलोग्राम, ठीक है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट हाइड करा गया है, हम कुछ भी एक इनवॉइस नंबर ले लेंगे और कोई भी एक डेट मान लेंगे और उसमें हम एंट्री पास करेंगे। इनवॉइस वैल्यू भी मेंशन करी हुई है 5347.17 सेंट। अब मैंने सेंट बोला, रुपीज नहीं बोला, क्यों, क्योंकि आगे यहाँ लिखा हुआ USD, यानी डॉलर में ये इनवॉइस वैल्यू मेंशन करी गई है। इसी के ऊपर फ्रेट लगा हुआ है 20%, ये भी डॉलर में लगा हुआ है। इंश्योरेंस 0.10 यानी 0.10 डॉलर इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी आप इसको सेंट भी कह सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस, फ्रेट और इनवॉइस वैल्यू, ये चीज हमको यहाँ पे दिख गई। अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आइटम डिटेल मेंशन करा हुआ है, और आइटम डिटेल के ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज रेट $1 = 72 rupees इनर, ये यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि $1.72 के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। तो इसकी भी कैलकुलेशन बताऊंगा कि दिया किस लिए जाता है। सबसे पहले हम इस बिल ऑफ एंट्री को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल वैल्यू इनर में शो हुआ वो हुआ 4,62,380 रुपए 40 पैसे, और यहाँ पे टोटल केजी दिया हुआ है कि 3,132 केजी दिया हुआ है, जिसको 1.707270 यानी $1.70 के हिसाब से इसको कन्वर्ट करा जाएगा। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नंबर है 4811909, ये इसका HSN कोड है।
तो ये आपके पास बिल ऑफ एंट्री होगा तो ये सारी चीज आपको दिख जाएगी। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितना लगा 10% जो कि 46,238 रुपए है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज जिसे SWS के नाम से भी हम जानते हैं 10% कैलकुलेट हुआ और IGST पे 18% लगा हुआ है 92,383 रुपए। यानी कस्टम ड्यूटी को जो टोटल पेमेंट करनी है हमें वो कितनी करनी है 1,43,245 रुपए। ये सारी चीजें इस बिल ऑफ एंट्री पे दिया हुआ है लेकिन कैलकुलेशन आप देखेंगे इसमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि 4,62,380 रुपए कैसे आया, 40,238 रुपए किस तरीके से आया, हमारे जो कस्टम ड्यूटी निकल के आई, IGST के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेट हुआ 92,383 रुपए। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम टैली RP9 में इसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के एक्सेल में समझा रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि हर अकाउंटेंट को एक्सेल की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक फॉर्मेट बना हुआ है कैलकुलेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री BOE के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मटेरियल फ्रेट इंश्योरेंस, ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मटेरियल में आप देखेंगे कि $53,471.7 है यहाँ पे जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया 5347.17 सेंट। उसके बाद 20% फ्रेट लगा, आप यहाँ पे देखिए 20%। अब ये 20% इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 20% मैंने यहाँ जो कैलकुलेट किया वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया, इस 20% को इसके ऊपर कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे इंश्योरेंस 0.10 दिया हुआ था, मैंने भी इंश्योरेंस 0.10 ले लिया और इस वैल्यू के ऊपर ही मटेरियल का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया 0.10 के हिसाब से। अब कन्वर्ट इन रुपीज, तो यहाँ पे कन्वर्ट इन रुपीज मैंने 72 रुपए लिया क्योंकि यहाँ पे 72 रुपए दिया हुआ है, मैंने 72 रुपए मेंशन कर दिया तीनों जगह की 72 रुपए में कन्वर्ट करना। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनर में कन्वर्ट हो जाएगा कि टोटल आपका ये निकल गया है। यानी जो इनवॉइस वैल्यू मेरी बनी टोटल वो कितनी बनी 4,62,380.48। अब यही मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ 4,62,380.40। तो आप लोगों ने देख लिया वो 0.2 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस तरीके से आया, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपको इतना आ जाएगा, या फिर इनका इंडिविजुअल निकाल के प्लस कर दीजिए तब भी आपका यह वैल्यू आएगा अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये मेरा टोटल इनवॉइस वैल्यू निकल के आ गया। अब इस वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करा जाता है कितना 10%। आप यहाँ पे देखेंगे 10% कैलकुलेट हुआ, वैल्यू कितनी निकल के आई 46,238 रुपए। तो आप ये देखिए 46,238 रुपए यहाँ पे भी ये कैलकुलेट होकर आ गया। 10% SWS यानी सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये कस्टम ड्यूटी के ऊपर कैलकुलेट होता है, ध्यान दीजिएगा। इनवॉइस वैल्यू पे, ये इनवॉइस वैल्यू मतलब जो टोटल वैल्यू है इसके ऊपर नहीं होगा, ये किसके ऊपर होगा SWS इस कस्टम ड्यूटी के ऊपर। अब जो टोटल वैल्यू बनी हमारी असेबल वैल्यू जिसे कहते हैं हम, जिसके ऊपर IGST कैलकुलेट कराया जाता है, वो इन तीनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5,13,242.34। इसके ऊपर 18% IGST कैलकुलेट किया जाएगा तो 92,383.62, 92,383.60। यहाँ पर भी 2 पैसे का फर्क आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये देखिए ये भी मेरा IGST कैलकुलेट हो गया। अब जो कस्टम ड्यूटी का मुझे टोटल पेमेंट करनी है वो कौन कौन सी करनी है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली कस्टम ड्यूटी प्लस SWS प्लस IGST, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना निकल गया आता है, यहाँ पे देखिए 1,43,245 रुपए। तो यही 1,43,245 रुपए मुझे पेमेंट करनी है और जो टोटल बना एक्चुअल में वो 6,05,625 रुपए बना। अब इसकी एंट्री मैं टैली RP9 में करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जनरल नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। कस्टम ड्यूटी हमारा परचेज का पार्ट होता है क्योंकि कस्टम ड्यूटी कभी हमें ना तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना इसका कोई हमें रिफंड मिलता है, तो इसीलिए इसको हम परचेज का पार्ट मान लेते हैं। दूसरा, इस IGST को हम पूरा क्लेम कर सकते हैं और सेस भी, आप सभी जानते हैं कि जो सेस होता है ये जो लिखा हुआ है सरचार्ज, ये सरचार्ज भी हमें कभी मिलते नहीं है तो इसीलिए इसको हम खर्चा मान लेंगे कि ये हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। या आप इसे ड्यूटी एंड टैक्स में डालकर भी इसको पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या करना चाह रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बिल ऑफ एंट्री जो मेंशन होता है यहाँ पे, इन सबके बेस पर किस तरीके से कैलकुलेशन करा जाता है, ये अमाउंट किस तरीके से आते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर हो गई हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई, आप
को नॉलेज मिली या नहीं मिली, क्योंकि आपका कमेंट आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता रहता है इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं टैली आरपी 9 में इसके एंट्री पास करने के लिए। तो चलिए टैली आरपी 9 में भी मैं आ गया। अब टैली 9 में आ गया, एमएस लॉजिस्टिक मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, बिल ऑफ एंट्री में आपको दिखा देता हूँ कि जिस कंपनी ने इम्पोर्ट करा वो एमएस लॉजिस्टिक है, पूरा नाम नहीं दिखा रहे, वही पॉलिसी की वजह से कि मैं नहीं दिखा सकता, शेयर नहीं कर सकता ये कंपनी का नाम। अब हम इसकी एंट्री टैली में पास करते हैं। तो टैली में एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में चलते हैं, लेजर में चलते हैं, और यहाँ पे मैं पार्टी क्रिएट करूंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे दोस्तों, करेंसी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्यों मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, अगर मैं इस कंपनी का नाम क्रिएट करता हूँ, क्या है कंपनी का नाम, स्टार कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे लिखा मैंने स्टार कंपनी लिमिटेड, और मैं इसको किसके अंदर डालूंगा, संडी क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि इससे मैं माल इंपोर्ट कर रहा हूँ यानी खरीद रहा हूँ तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे रुपीज का साइन नहीं आ रहा, और दूसरा मुझे डॉलर भी मेंटेन करके चलना जो करेंसी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फीचर में जाना होगा आपको, इसके बाद अकाउंटिंग फीचर में जाना होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अनेबल मल्टी करेंसी, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल लेकर के। तो ये मेरी सेव हो गई है। अब जब अकाउंट इन्फो में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे करेंसी का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम एंटर करेंगे। हम डिस्प्ले में देख लेते हैं कितनी करेंसी बनी हुई, तो आप देखिए रुपीज का एक करेंसी बाय डिफॉल्ट टैली में पहले से ही बना होता है, लेकिन मुझे डॉलर भी बनाना है। तो डॉलर को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे या शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में चार नंबर के ऊपर डॉलर का साइन होगा, हम वो प्रेस कर देंगे शिफ्ट के साथ। यहाँ पे इसका फॉर्मल नाम डाल देंगे डॉलर, यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपको डालना है, तो आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। जैसे कि ये कहता है कि सिर्फ चार ही होना चाहिए, डेसिमल प्लेस ग्रेटर देन फोर इज नॉट अलाउड, यानी हम चार ही मेंशन कर देते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, यानी चार डेसिमल तक, पॉइंट के बाद चार डिजिट तक ये कैच कर सकता है, यानी शो कर सकता है। ऐसे आप और भी अगर मेंशन करना चाहते हैं जो सिंबल है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सिंबल आप गूगल से कॉपी पेस्ट भी करेंगे तब भी वो सिंबल यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरा ये सिंबल बन गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आपको बताना होगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए मैं डॉलर पे गया, स्टैंडर्ड रेट जैसे 72 वहाँ पे मेंशन था, मैं भी 72 ही मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। हालांकि आप सभी जानते हैं कि जो करेंसी है वो डेली बेस पर अप डाउन होता रहता है, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 72 डॉलर वहाँ मेंशन कर दिया। जब हम इंपोर्ट की एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे वो आपसे पूछेगा कि जो आपने रेट ऑफ एक्सचेंज डाला हुआ है इसी रेट ऑफ एक्सचेंज से आप एंट्री पास करना चाह रहे हैं या फिर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी हम साथ के साथ चेंज कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पे 72 डाल दिया और कल को अगर 73 हो गया 74 हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे हम साथ के साथ ठीक कर देंगे। अभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग इन्फो में जाना होगा, लेजर में जाना होगा, क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी बना देता हूँ, स्टार कंपनी लिमिटेड, ऐसे मैंने एक नाम डाल दिया, पूरा नाम नहीं डाल सकता वही बार बार पॉलिसी के हिसाब से। सेंडिंग क्रेडिटर, अब यहाँ पे देखिए रुपीज का साइन आ गया ना करेंसी, तो जैसे आप स्पेस दबाएंगे तो आपने जितने भी करेंसी बनाए होंगे वो करेंसी आपके सामने शो हो जाएगा। तो मैंने डॉलर सेलेक्ट किया, डॉलर सेलेक्ट करते ही सारे ऑप्शन हट गए, क्योंकि उसको पता चल गया टैली को कि जो कंपनी है डॉलर में लिया है अगर हमने इसकी करेंसी, तो ये बाहर की कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, तो ये माल कहाँ से आया वो हम देखेंगे, कंपनी का नाम मतलब किस स्टेट से आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोरिया लिखा होगा, तो यहाँ पे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कोई मेंशन नहीं है, तो हम कोई भी कोरिया ले लेंगे। चलिए नॉर्थ कोरिया ले लिया मैंने। इसके बाद पैन नंबर डाल के इसको हम सेव कर देंगे, क्योंकि ये आपसे जीएसटी नंबर वगैरह पूछेगा भी, मैंने ये सेव कर दिया। क्लियर इतनी चीज, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। अब क्या इंपोर्ट करा गया, पेपर बोर्ड फॉर एमएफजी। तो चलिए आइटम भी बना देते हैं, इन्वेंटरी फॉर्म में चलते हैं, स्टॉक आइटम पे चलते हैं, क्रिएट करते हैं। पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ दोस्तों जो एक्चुअल में होता है कंपनी के अंदर, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो, आप इंपोर्ट की एंट्री चुटकियों में कर सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आपको नॉलेज मिली या नहीं मिली। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या मंगाया, पेपर बोर्ड। तो हम यहाँ पे पेपर बोर्ड एमएफजी है, एमएफजी मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, आगे आप समझदार है आपको क्या करना है। इसके बाद
नॉट एप्लीकेबल, इसके हम चलेंगे। अब ये किसके अंदर मेंशन करा गया है, केजी में मेंशन करा गया है। यहाँ देखिए 3132 केजी में मेंशन है। आप ऊपर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे केजी ही दिखाया गया है ना। तो चलिए मैं केजी ले लेता हूँ और यूनिट क्वांटिटी कोड के अंदर भी हम किलोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, 6 रोल है, 6 रोल के अंदर ये मंगाया गया है। तो मुझे एक रोल में कन्वर्ट करना होगा और यहाँ पे भी मेंशन करना होगा कि यूनिट ये मुझसे पूछे, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि आप रोल और केजी दोनों को साथ लेके चल सके। तो नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा आपके सामने यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे और सेव कर देंगे। आप जैसे करेंगे तो ये आपसे ये पूछेगा अल्टरनेट यूनिट, ऑल सी करके आप यहाँ पे बनाएंगे रोल्स, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अभी आपसे पूछेगा कि बताइए एक रोल में कितना केजी आ रहा है, ठीक है। तो हम ऑल सी प्रेस करेंगे या कंट्रोल एन दबा दीजिए कैलकुलेटर के लिए, और यहाँ पे जो टोटल था 3132, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कितना केजी है टोटल, 3340 है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3340 डिवाइडेड 6 रो, तो कितना निकल के आया 566। एक बार फिर से देख लेते हैं, यही केजी है ना कि कुछ और है। अच्छा ये रहा टोटल केजी 3132, ठीक है। तो 3132 डिवाइडेड 6 रोल, क्योंकि 6 रोल आ रहा है यहाँ पे टोटल, आप देखेंगे 6 रोल आ रहा है, इसलिए 6 से डिवाइड किया ताकि एक रोल में कितना है वो पता चल जाए। तो 522 इसके अंदर केजी आएगा, एक रोल में 500 केजी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 522 केजी एक रोल के अंदर, और इसको मैं कर दूंगा एंटर करते हुए सेट अल्टर जीएसपी डिटेल, इस ऑप्शन को मैं यस कर दूंगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन वगैरह में जो भी चाहे आप वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया पेपर। HSN कोड डालना होगा तो HSN कोड यहाँ पे मेंशन होगा, वो डाल देंगे 4811-9099 4811-9099, ये रहा इसका HSN कोड, ये मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद ऑन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और 18% मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर 18% लग रहा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो चलिए मेरा आइटम भी बन गया और पार्टी भी बन गई मेरी। अब हम एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले हम एक परचेज की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद ये जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है इसकी किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगी ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो परचेज में चलते हैं हम, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, क्योंकि वहाँ इनवॉइस नंबर हाइड करा गया है तो मैं इनवॉइस नंबर सेव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 123 मान लिया। डेट 1 अप्रैल 20 मान लिया हमने। पार्टी स्टार गोल्ड है, हम स्टार गोल्ड ले लेंगे, लेकिन इससे पहले इसको आइटम इनवॉइस कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम ये अकाउंटिंग इनवॉइस पे है और अकाउंटिंग इनवॉइस पे आइटम वगैरह कैच नहीं करता। तो चलिए स्टार गोल्ड ले लिया हमने, यहाँ सारी डिटेल आप फिल कर देंगे क्या इसका। अब ये इम्पोर्ट डिटेल देख रहे ना, प्लेस ऑफ रिसीवर व शिपर, फ्लाइट नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट डिस्चार्ज, कंट्री, सारे के सारे आपके बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज आपको यहाँ से मेंशन करनी होगी। पोर्ट ऑफ लोडिंग यहाँ पे देखिए, सेंचुरी ऑफ कंसाइन, HAWB नंबर, डेट, SGM नंबर, सेंचुरी ऑफ ऑर्गेनाइज, MAWB, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप बिल ऑफ एंट्री से भी मेंशन कर देंगे, लेकिन अगर आपके केस में इम्पोर्ट डिटेल का ऑप्शन नहीं आता तो आप वाउचर में रहकर कॉन्फ़िगर में जाएंगे, एक बार फिर से F12 प्रेस करेंगे एडवांस कॉन्फ़िगर के लिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट का, ये देखिए, और इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये इंपोर्ट डिटेल आ जाएगा। चलिए कंट्रोल लेकर के मैं इसे सेव कर देता हूँ, ऑल सी करके एक मैं परचेस वाउचर बना लेता हूँ, इसको हम डाल देंगे परचेस के अंदर, मेंटेन बिलिंग में बिल ऑप्शन को यस रखेंगे। इसके बाद ये एप्लीकेबल रहेगा, ये नो रहेगा, और इसको गुड्स लग करके मैं सेव कर दूंगा। अब ये क्या है हमारे लिए, इंपोर्ट टैक्सेबल। अब यहाँ पे जो हमने बनाया था पेपर बोर्ड वो सिलेक्ट कर लेंगे, 3132 कितना केजी मंगाया है ना, तो हम 3132 ले लेंगे, ये आ गया 3132। शिफ्ट के साथ डॉलर मेंशन करेंगे और जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 70 72 70 1.70 72 70, एंटर करेंगे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5347.26 और यहाँ पे कितना आया जो इसकी टोटल वैल्यू थी 5347.17। तो वो पॉइंटों का फर्क आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टैली 4 डिजिट तक ही लेके चलता है और यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली 6 डिजिट के हिसाब से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए अब ये देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि वहाँ पे 72 रुपये आप पर डॉलर मेंशन कर दीजिए, घबराने वाली बात नहीं है, हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका चेंज हुआ है तो आप यहीं पे ही एडिट कर सकते हैं 70, मतलब आपको क्या लिखना होगा 73 डिवाइड बाय डॉलर, तो 73 रुपये पर डॉलर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से 73 डिवाइड बाय डॉलर और आप एंटर कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे वाले केस में सेम ही है, तो 72 डॉलर ये मैं ले लेता हूँ और एंटर कर देंगे। नीचे आप देखेंगे कि 385.002 आ रहा है हमारा, ये वैल्यू निकल के आ गई, और जो मैंने ये कैलकुलेट किया था 384, अब यहाँ 72 रुपये के हिसाब से है और हमारा कितना है 72 रुपये के हिसाब से आ रहा है यहाँ पे। अब 385.02 आ रहा और यहाँ पे 384.09, तो कुछ रुपए का डिफरेंस है। अब वो क्या है हम देख लेते हैं, माइनस क्योंकि वो पॉइंटों के बेस से आएगा तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैं इनवॉइस अभी आपके सामने पूरा मैच करके दिखा दूंगा किस तरीके से इनवॉइस मैच किया जाता है। 385.002 385.002.98 एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी गलत है, कुछ ना कुछ तो कड़ा गड़बड़ी हो रही है भाई। देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है। 3132 हमने ये लिखा और 1707353475347 5347। चलिए एक काम करते हैं, मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है यहीं पे ही हम एग्जैक्टली ये वैल्यू डाल देते हैं, वो अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा जो वैल्यू आनी चाहिए। कितनी वैल्यू है 5347.17, तो डॉलर 5347.17। तो अब आप देखेंगे वैल्यू 384.96 और यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा 384.96। ये हमारा मैच हो गया। अब यहाँ पे आपको दोस्तों मेंशन करना बहुत जरूरी है कि टैक्सेबल वैल्यू किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ, तो अब हमारा ये कैलकुलेशन काम आएगा। तो हमारा जो IGST कैलकुलेट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, 513,242 रुपए के ऊपर। तो 513,242.34 हम ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ईमेल बिल को यस करके यहाँ पे जो भी डिटेल होगी आप फिल कर देंगे और इसको हम कर देंगे सेव। परचेज की एंट्री कंप्लीट हमारी। अब डिस्प्ले स्टैचुरी रिपोर्ट जीएसटी और GSTR2 में जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 513,242.34 रुपए 513,242.34 रुपए के ऊपर 92,383.62 ये हमारा मैच हो गया और यही हमारा GSTR3B के अंदर भी मेंशन हो गया होगा। ऑल टैप पर डिटेल करके हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड के अंदर IGST यहाँ पे मेंशन हो गया है। अगर पूरा देखना है तो आप कॉन्फ़िगर कीजिए, यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कीजिए, सो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये IGST के अंदर मेंशन हो गया है। तो GSTR2 में भी चला गया, GSTR3B में भी चला गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों, अब कहानी स्टार्ट होगी। अब मुझे उस IGST की पेमेंट करनी है, साथ ही साथ इस कस्टम ड्यूटी की भी पेमेंट करनी है, इस SWS की भी पेमेंट करनी है। लेकिन बैलेंस शीट में अगर मैं जाकर देखूंगा तो जो मेरा IGST कैलकुलेट हुआ है वो तो शो ही नहीं कर रहा। आप देखें यहाँ पे कोई भी ड्यूटी टैक्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा शो करने के लिए। लेकिन संडे क्रेडिटर मेरा इतने से तैयार हो गया 384.96 रुपए जो मुझे उसको पेमेंट करनी है। उसके लिए अब हमें क्या करना है, एक एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री हम पास करेंगे और जनरल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे दोस्तों, ये देखिए हम जाएंगे सबसे पहले जनरल में और जनरल में जाने के बाद स्टेट एडजस्टमेंट। जैसे ही स्टेट एडजस्टमेंट में जाएंगे तो हम GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे ऑल सी करके IGST रिसीवेबल ऑन इंपोर्ट मैंने ये बनाया, इसे डालते रहते हैं हम ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर GST इंटीग्रेट टैक्स और इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू कितनी है 92383 IGST की वैल्यू 92383.65
92383.62 क्रेडिट ऑल सी करके IGST पेबल ऑन इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स GST इंटीग्रेट टैक्स सेव कर देंगे। तो रेट कितना था 88% और टैक्सेबल वैल्यू क्या थी हमारी 5,13,242.34 और इसको हम कर देंगे अब सेव। तो जैसे हम ये एंट्री पास करेंगे इससे क्या होगा हमारे बैलेंस शीट में ये एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे देखिए ठीक है डेबिट क्रेडिट साइड ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी। अब कस्टम ड्यूटी और जो हमारा सरचार्ज है उसकी एंट्री भी हमें पास करनी है पेमेंट करनी है हमको। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं F5 में चलते हैं। अब यहां पे ऑल सी करके आप बनाइए एक कस्टम ड्यूटी इसको डाल दीजिए परचेज के अंदर सॉरी दोस्तों इसको परचेज में डाला किस लिए हमने परचेज में इसलिए दिखाया क्योंकि कस्टम ड्यूटी हमारा एक परचेज का पार्ट होता है ये रिफंड नहीं होता। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो परचेज की वैल्यू है उसी में ही ये ऐड हो जाएगा। तो इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड इस ऑप्शन को यस रखेंगे और यहाँ पे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये हमसे पूछेगा किस आइटम में इसको ऐड कर रहे हो तो जो हमने पेपर बनाया था वो ले लेंगे क्वांटिटी ब्लैंक छोड़ देंगे अमाउंट हम सीधे सीधे मेंशन कर देंगे। तो कस्टम ड्यूटी कितना है 46238.05 ठीक है। इसके बाद डेबिट फिर से मैं करूंगा ऑल सी SWS इसको आप चाहे तो ड्यूटी एंड टैक्स में दिखा के पेमेंट कर दे या फिर एक्सपेंस में दिखा दे तो मैं इसे एक्सपेंस कर देता हूँ ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया एक तरीके से और इसको नॉट एप्लीकेबल और मैं यहां सेव कर देता हूं। कितनी वैल्यू है 46.80 एक डेबिट और क्या हो जाएगा हमारा जो हमने लायबिलिटी इंक्रीज करी हुई है पेबल के लिए कितना 92383.62 ये जीरो हो गया। अब बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे बैंक मैंने बनाया नहीं हुआ इसलिए मैंने कैश ले लिया और इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। तो जैसे हम सेव करेंगे आप बैलेंस शीट में चलते हैं और आप ड्यूटी एंड टैक्स में अगर आप देखोगे तो जो आपकी लायबिलिटी बन रही थी वो यहां से क्लियर हो चुकी है। इसका आप इनपुट क्लेम करते रहोगे। दूसरा जब हम डिस्प्ले में जाएंगे अकाउंट्स बुक में जाएंगे और परचेस में जाएंगे परचेस रजिस्टर में तो यहां पे अप्रैल में जब आप क्लिक करोगे तो इस परचेस के अंदर ये मेंशन हो गया। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम चलते हैं और ऑल टैब बंद दबा के डिटेल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टम ड्यूटी भी आपको परचेस में ऐड होकर दिखाएगा। एंटर करके पता चल जाएगा कि किस चीज की एंट्री आप नरेशन में चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो कस्टम ड्यूटी हमने परचेस में ऐड किया वो क्यों किया है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकली जो होता है कंपनी में इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर एंट्री पास करना कि GSTR 2 में किस तरीके से जाता है GSTR 3B में किस तरीके से जाता है और किस तरीके से हम जनरल एंट्री पास करते हैं ताकि वो शो कर जाए हर जगह। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके अंदर इजीली शो कर चुका है दोस्तों एलिजिबल ITC के अंदर। यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर ये शो कर गया है। तो इसको हम पेमेंट भी कर देते हैं इसकी हम ITC भी क्लेम कर लेते हैं। इस तरीके से हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर अपनी पूरी एंट्री करते हैं। एक एक चीज जो जो होती है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है किसके बिहाफ पर इस बिल ऑफ एंट्री के बिहाफ पर। तो अगर आगे से आपके सामने कभी बिल ऑफ एंट्री आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बिंदास होकर आप इसकी एंट्री करिए TallyRP9 में क्योंकि एक अकाउंटेंट का काम ही ये होता है कि वो परफेक्ट तरीके से अकाउंटिंग करे। थैंक यू सो मच दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पे हम डेली बेस पर कुछ ना कुछ नोट शेयर करते रहते हैं जिससे कि नॉलेज आप लोगों तक पहुंचती जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार के नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।
दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं अकाउंट्स फील्ड में आप अपने करियर को अच्छा बनाकर किसी भी बड़ी कंपनी में एज अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि अकाउंट फील्ड के लिए क्या क्या आना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स तैयार करा हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके ऑनलाइन कोर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है आप वो कोर्स ले सकते हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, 499 और यहाँ पे 799 रुपए का है। तो जिस भी कोर्स के साथ आप जाना चाहते हैं उस कोर्स में आप जा सकते हैं। आपको बाय पे क्लिक करना होगा, सबसे पहले इस कोर्स को बाय करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो कुछ डाले गए हैं जो कि इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप घर बैठे आसानी से अपने आप को अकाउंट्स फील्ड में परफेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियो को देखकर आप अकाउंट्स फील्ड में इजीली नॉलेज प्राप्त कर लेंगे कि एक अकाउंटेंट कंपनी में किस तरीके से काम करता है। अगर आप यही कोर्स करने किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपसे आसानी से 25,000 से 30,000 रुपए ऐंठ लेंगे, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं देंगे जो आपको इस क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप लोग यहीं से ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना नाम या जो आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो मेंशन करना होगा। जैसे मैं एक अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप देखिए जैसे मैंने नाम मेंशन करा हमारे सामने आ गया। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड पे कर लेना है क्लिक, तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और इस सर्टिफिकेट को आप अपने पास इजीली रख सकते हैं। ये वेरीफाई होगा ऑनलाइन, कहीं पे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं और आपके सामने ये पूरा परफेक्ट अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट है ये आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे कोर्स से जुड़िए और अपने आप को बेहतर बनाइए।